नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहां बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक की जो इतनी शानदार तेजी दिखा चुका है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्टॉक की जो एक समय में कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा दबाव में है, बहुत ज्यादा कह सकते डेट में है। उसके बाद जिस तरह से उसने अपने बिजनेस के ओर फोकस चेंज किया है, जिस तरह से कह लीजिए उन्होंने प्लानिंग किया है, स्टॉक लगातार ऊपरी स्तरों में जारी है। दोस्तों, स्टॉक लगातार आप कह सकते हैं एक शानदार तेजी दिखा रहा है और आज भी स्टॉक लगभग 5% की शानदार तेजी के साथ बंद हुआ है। दोस्तों, तो क्या है रीजन स्टॉक में इतनी ज्यादा शानदार तेजी का, इसके ऊपर एक आप कह सकते हैं एनालिसिस करेंगे, कहां कंपनी ने फोकस किया है, कहां पॉजिटिविटी दिख रही है और क्या इन स्तरों में इतनी बड़ी तेजी के बाद क्या स्टॉक को खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, नाम है एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। आज भी देखिए लगभग 5% की ये आप देखिए तेजी के साथ बंद हुआ है। और तेजी सिर्फ आज नहीं हुई दोस्तों, मैं अगर आपको दिखाऊं ना एवर रेडी पिछले जो एक महीने में आप देखें 16% ज्यादा, और जनवरी से अभी तक इसने 16% दिया है। लेकिन ये निचली स्तरों में जो 272 आसपास दिखाया था वहां से देखिए ये स्टॉक ऑलमोस्ट 36% की तेजी दिखा चुका है दोस्तों, केवल और केवल 2 महीनों के अंदर। आप देखिए 2 महीनों से भी कम के समय में ये स्टॉक 36% के आसपास की तेजी आपको दिखा चुका है। लेकिन ऐसा क्या हो गया स्टॉक में कि अचानक से इतनी भयंकर तेजी आ रही है इसमें? क्योंकि अगर मैं आपको पिछले एक साल का डेटा दिखाऊं ना, तो आप देखिए एक समय में स्टॉक ऊपरी स्तरों से जो आपका 400 रुपए है वहां से गिरते गिरते देखिए आप लगभग निचले स्तरों पे 32% से ज्यादा टूटा था। फिर एक रैली आई और वहां से वापस से स्टॉक लगभग आप कह सकते हैं फिर से 20-25% सत्तावन गिरावट दिखाया। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि हर कोई काफी ज्यादा पॉजिटिव है और ये इतनी शानदार तेजी दिखा रहा है? तो इसके लिए ऊपर हम दोस्तों एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखें एवरेडी इंडस्ट्रीज के शेयर अच्छे आउटलुक के दम पर 5% की मजबूत और 5 महीने के हाई पर पहुंचे हैं। अपने 5 महीने के सबसे हाई में दोस्तों ये कंपनी आप कह सकते हैं स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है आप देखें इधर, एवरेडी के प्रबंधन ने कहा बाजार अब काफी हद तक CFL से LED बल्ब और ल्यूमिनरीज पर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये तो हमको पता है कि CFL के बजाय अब लोग LED बल्ब की ओर जा रहे हैं। और देखिए मैं बताऊं, जा नहीं रहे हैं, ले जाया जा रहा है। CFL अब आप खोजने से भी आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी पर्सनल कह लीजिए एक्सपीरियंस रहा है। CFL मुझे अब तक का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट लगता है लाइटिंग इंडस्ट्री में दोस्तों। ठीक है, इस कैटेगरी के टर्नओवर में ऊंचे मार्जिन के साथ LED बल्ब और LED बेस्ड ल्यूमिनरीज की खासी हिस्सेदारी है। ठीक है, आपके लीजिए इस जो कैटेगरी में जिसमें काम कर रहा है उसके टर्नओवर में जो ऊंचे मार्जिन के प्रोडक्ट प्लस जो LED बल्ब और LED बेस्ड ल्यूमिनरीज है उसकी खासी हिस्सेदारी है। इसलिए ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के लिहाज से आउटलुक अच्छा है, और यही कारण है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी और आउटलुक इस चीज के कारण काफी काफी ज्यादा अच्छा है दोस्तों। ठीक है, अब आपको लेके चलता हूं मैं आगे। आप देखें एवरेडी इंडस्ट्रीज के शेयर बुधवार यानी आज के 10 अगस्त के दिन दोस्तों BSE पर इंट्रा में डे में लगभग 5% मजबूत होकर के 373.40 रुपए के स्तर पर पहुंच गए। ठीक है, जो उसका लगभग 5 महीने का हाई है। बेहतर बिजनेस आउटलुक के दम पर पिछले 2 दिन में शेयर लगभग 10% मजबूत हो चुका है। आप समझें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में 10% की तेजी दिखा चुका है। ठीक है, तो भाई ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है घर घर में जाना माना नाम है एवरेडी। भाई एवरेडी जो बैटरीज हैं, एवरेडी जो प्रोडक्ट है, जो कह लीजिए कंपनी है, जो ब्रांड है, ये आपके और मेरे लिए कोई नया नहीं है। हर कोई जानता है एवरेडी का नाम, हर कोई सुना हुआ है दोस्तों। आगे देखें, बैटरी फ्लैशलाइट और लाइटिंग के लिए एवरेडी घर घर में जाना माना नाम है। भारत में 50% ज्यादा मार्केट शेयर के साथ एवरेडी का बैटरी के बाजार में खासा दबदबा है। ठीक है, और भारतीय बाजारों में 50% से भी ज्यादा की जो मार्केट शेयर है वो इस कह सकते हैं आप इस बैटरी की कंपनी में, इस एवरेडी की है। ठीक है, आगे अगर हम जाएंगे तो पाएंगे
अगस्त में कंपनी द्वारा जून तिमाही में सालाना आधार पर 18% की बढ़त के साथ 335 करोड़ रुपए की इनकम दर्ज करने के बाद 7 दिन में कंपनी का शेयर 18% मजबूत हो चुका है। ठीक है, आप देखिए जब क्वार्टर वन के नतीजे हैं ना, उसके बाद से स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आगे महंगाई के चलते बाजार में सुस्ती के बावजूद कंपनी के वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी से रेवेन्यू ग्रोथ की दर्ज की गई। जब बिजनेस इतने मंदे काम कर रहे हैं, उन तमाम मंदी को धता बताते हुए कंपनी ने जो नंबर पेश किए वो काफी मजबूत थे और रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी दर्ज की गई। ठीक है, आगे देखें, लेकिन एबिट्टा हुआ कम। जून 2022 में समाप्त तिमाही के दौरान सालाना आधार पर एबिट्टा 28.6% घटकर 42.1 करोड़ रुपीस रह गया है, जबकि मार्जिन घटके 12.6% रह गए, जो बीते साल समान तिमाही में 20.9% से। भाई देखिए, ये जो कमी है ना एबिट्टा में, ये सबको पता होगी। क्यों? आपको पता है इनपुट कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये जितने कॉस्ट में हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपरी स्तरों पे जा रहे हैं, जो इनपुट कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के कारण जो मार्जिन है, जो कह लीजिए आप कह सकते हैं जो बॉटम लाइन है, वो डेंट कर रहे हैं, और बाजार इस चीज़ को ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका था। ठीक है, आप देखें REC को बोनस इश्यू के लिए शेयरधारकों की मिली मंजूरी, और देखिए एवरेडी ने कहा है कि कच्चे माल की महंगाई के चलते एबिट्टा पर असर पड़ा है, जिसका बोझ पूरी तरह भुगतों पर डाला नहीं जा सका। और देखिए सही बात है, जब इतनी ज़्यादा महंगाई होगी तो भाई आप पूरी की पूरी जो इनपुट कॉस्ट में जो आपके पास आई है वो सीधा पास ऑन तो नहीं कर देंगे कस्टमर पे, क्योंकि यदि आप पास ऑन करेंगे कस्टमर पे तो जो कस्टमर है वो आपके डिमांड में कमी दिखाएगा और आपके वॉल्यूम में कमी आएगी और आप अपने ग्राहक छूटेंगे आपके, और कंपनी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है, इसीलिए थोड़ा बहुत मार्जिन में प्रेशर झेल करके अपने मार्केट शेयर को बरकरार रखते हैं कंपनियां। ठीक है, आगे देखें, एवरेडी ने कहा कि कच्चे माल की महंगाई के चलते एबिट्टा पर असर पड़ा है, जिसका बोझ पूरी तरह उपभोक्ता पर नहीं डाला गया। आगे मार्जिन में सुधार का अनुमान, और आने वाले समय में मार्जिन में काफी आप कह सकते हैं सुधार देखने को मिलेगा, ऐसा कंपनी का कहना है। कैसे? आप देखें, कंपनी ने कहा कॉस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और आगे मार्जिन में सुधार होने का अनुमान है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग को लेकर के, कॉस्ट कंट्रोलिंग को लेकर के कंपनी बहुत ज्यादा सीरियस है दोस्तों, और वो आने वाले समय में बहुत से ऐसे स्टेप्स उठा रही है जिससे आपको असर इसमें दिखाई देगा। क्या स्टेप्स हैं वो, आप देखें, सभी कैटेगरी में मजबूती पर जोर के साथ एवरेडी ने ग्रोथ को बनाए रखने के लिए मिड से सीनियर लेवल तक कई प्रोफेशनल शामिल किए हैं। ठीक है, नए नए प्रोफेशनल जोड़े जा रहे हैं, चाहे वो मीडियम टीयर में हो या टॉप मैनेजमेंट में हो, हर जगह पे कंपनी की लाइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कैटेगरी में अच्छी संभावनाएं, इसलिए कंपनी इस पर खासा ध्यान जोर दे रही है। और देखिए, जो अभी आने वाले समय में एवरेडी जो है वो लाइटिंग और कह लीजिए इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में काफ कैटेगरी में अपने आप को काफी शान कह लीजिए काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। और मैं आपको एक चीज समझा दूं, यदि आप अभी बैटरी खोजने जाएंगे ना फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में, आप देखिएगा अमेजोन की बैटरीज बहुत ज्यादा सर्च पे आती हैं, और एवरेडी की बैटरियों को लेकर के मेरा आउटलुक भी काफी अच्छा है दोस्तों। CFL से LED शिफ्ट पर हुआ बाजार, प्रबंधन कह रहा है कि भाई बाजार अब काफी हद तक CFL से LED बल्ब और ल्यूमिनल पर शिफ्ट हो गया है। इस कैटेगरी टर्नओवर के ऊंचे मार्जिन के साथ LED बल्ब और LED बेस मेटल की खासी हिस्सेदारी है, इसलिए ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही लिहाज से आउटलुक अच्छा है। देखिए, जो LED बल्ब है ना, उसके मार्जिन बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है, और यही कारण है अगर इन वॉल्यूम्स में, इन प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी होगी तो इनके मार्जिन जो है वो बहुत शानदार तरीके से आप कह सकते हैं है इम्प्रूव होंगे, और ये इनके बॉटम लाइन को जो इस तिमाही में मार्जिन घटे हैं उसको आने वाले समय में पास ऑन करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए एवरेडी एज ए इंडस्ट्री, एवरेडी इंडस्ट्री बैटरी मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगती है दोस्तों, और मुझे लगता है कि ये ऐसा स्टॉक है जो आपके रडार में होना चाहिए, और मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है इस बैटरी स्टॉक में दोस्तों। तो यदि आप यहाँ कह सकते हैं एवरेडी इंडस्ट्री में निवेश करने की सोच रहे थे और ये वीडियो आपके काम आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।